हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस यूपीएससी ईपीएफओ का अकाउंट्स के सिलेबस में ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम अपना प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि पिछले लेक्चर में हमने अकाउंट्स के बेसिक्स इंट्रो लेक्चर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हमें किन किन टॉपिक पर बात करनी है। वो लिस्ट जो हमने आपको प्रोवाइड की थी पिछले लेक्चर में, वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट है, लेकिन लगभग उसी से ही आपका अकाउंट्स के क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी हम थोड़ा ब्रॉड वे में ही अपने सिलेबस को लेकर चलेंगे, ताकि कुछ भी छूटने की गुंजाइश ना रहे। तो आज के टॉपिक में हम अपने आज के लेक्चर में हमें इन मुख्यतः इन पांच टॉपिक्स को पढ़ना है। लेखांकन एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर सब टॉपिक्स, लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन एक सूचना स्रोत, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की भूमिका, रोल ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, इन पांच टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और आपकी सुविधा की दृष्टि से इसमें जो टर्मिनोलॉजी है अकाउंट्स की, जो थोड़ी टफ है टर्मिनोलॉजी, उसको हमने इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि इसके जो बेसिक टर्म्स हैं वो प्रॉपर हिंदी में अगर देखे जाएं तो आपकी शायद हिंदी माध्यम के ही स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आएंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी एक टर्म देखा था, जैसे कि तलपट, तलपट जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो भी कुछ इसी टर्म्स टाइप का टर्म था, कि जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के भी बहुत कमी से ही समझ में आएंगे। क्योंकि हम में से ज़्यादातर जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रॉपर हिंदी माध्यम के ना होकर हिंग्लिश वाले होते हैं, हिंग्लिश, जिनको हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर समझ में आता है, प्रॉपर हिंदी भी समझ में नहीं आती। तो आज हम अपने शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से, लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने लेखांकन की परिभाषा इस प्रकार की है। और हाँ, ये आपको हम बताते चले कि हमने ये जितने भी लेक्चर कवर करा रहे हैं, ये सारे एनसीईआरटी से ही और ऑथेंटिक बुक से ही कवर कराए जा रहे हैं, जो कि आपको बड़े कोचिंग संस्थान में अगर आप कोचिंग लेंगे तो जो बुक्स को रेफर किया जाता है, हम उन्हीं प्रॉपर बुक्स को रेफर कर रहे हैं। लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला है से है। लेखांकन का संबंध लेन देन, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स, उन ट्रांजेक्शन के जो इवेंट्स हैं उनका पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। वो पूर्ण पूरी तरह भी फाइनेंशियल हो सकते हैं और उस आंशिक रूप से भी फाइनेंशियल या पार्शियल रूप से भी फाइनेंशियल हो सकते हैं। उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप, उत्तरोत्तर मतलब बाद में, आर्थिक विकास के परिणाम के फलस्वरूप लेखांकन की भूमिका एवं क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। वर्ष 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया, लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यानी कि लेखांकन अकाउंट्स जो है या अकाउंटिंग जो है, एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल प्रोसेस है जिससे सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को पहचाना जाता है, मापा जाता है और संप्रेषित किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, जिसके आधार पर सूचनाओं को, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, आर्थिक इन्फॉर्मेशन, उनको उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में उसके फलस्वरूप सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने कहा कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो मुख्य प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं। यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड है, उसने 1970 में लेखांकन का के कार्य को डिफाइन करते हुए बताया कि इसका जो अकाउंटिंग का, अकाउंट्स का जो कार्य है, वो आर्थिक इकाइयों के संबंध में, इकोनॉमिकल जो एंटिटीज होती हैं, इकाइयाँ, यानी कि इसकी अकाउंट्स के संदर्भ में आप इकाइयों का मतलब होता है एंटिटी, आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचना, ऐसी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराना है आर्थिक, जो हो जिनका किसी ना किसी वित्त से कोई लेना देना हो।
कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है। जैसे कि इसमें डिफाइन किया गया है कि ये वित्तीय प्रकृति की सूचनाएं होती हैं और क्वालिटेटिव सूचनाएं होती हैं जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं। किसी तरह के फाइनेंशियल या बजट वाले निर्णय लेने में ये सूचनाएं जो उपयोगी होती हैं, इस तरह से इन्होंने लेखांकन की परिभाषा को डिफाइन किया है। अतः लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिखकर रखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किया जा सके, यानी कि कम्युनिकेट किए जा सके, उपयोगकर्ताओं तक, यूजर्स तक इनको कम्युनिकेट किया जा सके। लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए निम्न को समझना आवश्यक है। ये इन चार घटनाओं को समझना लेखांकन के नेचर को समझने के लिए आवश्यक है। जो है पहला है आर्थिक घटनाएं, इकोनॉमिक इवेंट्स, दूसरा पहचान, मापन, अभिलेखन एवं संप्रेषण, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप सब लोग जानते होंगे, सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आर्थिक घटनाएं, इकोनॉमिक इवेंट्स, व्यावसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है। आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यावसायिक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देनों से है जिसके परिणामों को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। इसमें दिया हुआ है प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका संबंध आर्थिक घटना, कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडस्ट्री होती है या गवर्नमेंट ही की कोई इंडस्ट्री होती है, तो उसका मुख्य कार्य, उसका जो कार्य होता है सारा फाइनेंस पर डिपेंड होता है। फाइनेंशियल प्रोसेस पर ही सारा कार्य डिपेंड होता है। बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यावसायिक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेनदेन हैं, जैसे ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से है जिसके परिणामों को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, यानी कि जिसको मनी की फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में मापा जा सकता है। जैसे किसी मशीन का क्रय विक्रय या उसके स्थापना एवं विनिर्माण का खर्च इत्यादि। अब किसी आर्थिक घटना में संगठन एवं किसी बाहर के व्यक्ति के बीच लेनदेन है तो इसे बाह्य घटना कहते हैं। यदि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आप मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध आपका नहीं है, लेकिन आप फिर भी किसी तरह का कोई सेल या परचेज करते हैं, तो जो ट्रांजैक्शन आपके और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो वित्तीय लेन देन होगा, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बाह्य घटना के एक्सटर्नल इवेंट के रूप में समझा जाएगा। आंतरिक आर्थिक घटना एक ऐसी वित्तीय घटना है जो पूर्णता किसी उद्यम के आंतरिक विभागों के बीच घटित होती है। अब आंतरिक जो ये हो गई बाह्य घटना, जिसमें आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन जिससे आपका कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप कोई चीज़ परचेज करते हैं या किसी तरह की सेवा लेते हैं, तो उसको जो आप वित्त की आपूर्ति कराएंगे, जो उसको पैसा उपलब्ध कराएंगे, वो वित्तीय लेन देन जो होगा वो उस संगठन की बाह्य घटना का उदाहरण होगा, एक्सटर्नल इवेंट का उदाहरण होगा। लेकिन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी ही किसी सब ब्रांच को कोई पैसा आवंटित करती है, यानी कि मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस दिल्ली में है और उसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया फैली हुई हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई ये ब्रांचेस को जो अगर ये अपने बजट से पैसा प्रोवाइड करेगी, मान लीजिए किसी यूपी के किसी शहर लखनऊ में इसकी कोई ब्रांच है और उसको ये जो पैसा प्रोवाइड करेगी अपनी ही ब्रांच को, तो ये इंटरनल इवेंट का उदाहरण होगा। उदाहरण के लिए संगठन विभाग द्वारा कच्चे माल या विनिर्माण विभाग को वस्तुओं की आपूर्ति आदि, यानी कि इसमें अगर संगठन कोई भी किसी तरह का रॉ मटेरियल भी परचेस करता है क्योंकि वो अपने संगठन के लिए ले रहा है, तो वो भी इसके या विनिर्माण विभाग को, इसी का जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उसको अगर किसी कच्चे माल की आपूर्ति कराई जाएगी तो वो भी इसके इंटरनल इवेंट का उदाहरण होगी। फिर है पहचान, मापन, अभिलेखन एवं संप्रेषण, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। इसका अर्थ पहचान, इसका अर्थ ये निर्धारित करना है कि किन लेन देनों का अभिलेखन किया जाए, यानी कि पहचानना, किसको पहचानना, यानी कि किन किस तरह के ट्रांजेक्शन का अभिलेखन किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, किस तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। अर्थात इसमें उन घटनाओं की पहचान करना जिनका अभिलेखन किया जाना है, यानी कि जिनको रिकॉर्ड किया जाना है। हर तरह का ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग के लायक नहीं होता है, जिनको रिकॉर्ड किया जाना है। इसमें संगठन से संबंधित सभी क्रियाओं का अवलोकन कर केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति की होती हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल फॉर्म में होंगी उन्हीं तरह उसी ट्रांजेक्शन को उसी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग की जाएगी, रिकॉर्ड रखा जाएगा। लेखा पुस्तकों में लिखने का निर्णय लेने से पहले व्यावसायिक लेन देन एवं दूसरी आर्थिक घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि किसी भी रिकॉर्ड को
रिकॉर्डिंग बुक में रिकॉर्ड करने से पहले, किसी भी अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने से पहले उस व्यावसायिक, उस प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन और दूसरी आर्थिक घटनाएं और उसमें जो दूसरी अन्य इवेंट जो होते हैं फाइनेंशियल इवेंट, उनको पहले असेसमेंट किया जाता है, उनका उनका मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद ही उसको बुक कीपिंग की जाती है, यानी कि रिकॉर्ड उसका रखा जाता है। इसीलिए आपका जो ट्रेनिंग का पार्ट भी आपको बुक कीपिंग सिखाई जाएगी। मापन, इसका अर्थ है मौद्रिक इकाइयों के द्वारा व्यावसायिक लेन देनों का वित्तीय प्रमाणीकरण, अनुमानों, मौद्रिक आधारों पर रुपये व पैसों की इकाइयों का अभिलेखन के लिए प्रयोग। यदि किसी घटना को मौद्रिक रूप में प्रमाणीकरण संभव नहीं है तो इसका वित्तीय लेखों में लेखन नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी, अगर ऐसा कोई इवेंट है जिसको आप मनी की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसका वित्तीय लेखों में, यानी कि फाइनेंशियल जो राइटिंग होगी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड होंगे, उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर है अभिलेखन रिकॉर्डिंग, जब एक बार आर्थिक घटनाओं की पहचान व मापन, ये सारा सिक्वेंशियल प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरह इसको फॉलो किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग को, इस तरह के रिकॉर्ड को किसी भी अकाउंट ऑफिसर के लिए रखना इंपॉर्टेंट है और इसी ही सीक्वेंस को वो फॉलो करते हैं। एक बार आर्थिक घटनाओं की पहचान व मापन वित्तीय रूप में हो जाती है तो इन्हें मौद्रिक इकाइयों में, लेखा पुस्तकों में कालानुक्रम अनुसार अभिलिखित कर लिया जाता है, डेट वाइज इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जब उसकी वित्तीय की पहचान और मापन हो जाता है। फिर है संप्रेषण कम्युनिकेशन, आर्थिक घटनाओं की पहचान की जाती है, यानी कि जो फाइनेंशियल इवेंट्स हैं उनकी पहचान की जाती है, जैसे कि आपने पढ़ा, उसके बाद उसको मापा जाता है, उनका मेजरमेंट किया जाता है, उनका अभिलेखन किया जाता है, यानी कि उनको रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे प्रसंग अनुकूल सूचना तैयार होती है, यानी कि जिससे किसी तरह की एक आवश्यक सूचना जो किसी यूज़ के पर्पज से बनाई तैयार की जाती है, सूचना तैयार होती है, एवं इसका प्रबंधकों एवं दूसरे आर्थिक आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं को एक विशिष्ट रूप में संप्रेषण होता है, स्पेसिफिक फॉर्म में इसका कम्युनिकेशन होता है, सूचना का लेखा प्रलेखकों के माध्यम से नियमित रूप से संप्रेषित किया जाता है, सूचना को लेखा प्रलेखकों के माध्यम से, अकाउंट्स ऑफिसर के माध्यम से नियमित रूप से संप्रेषित, कम्युनिकेट किया जाता है। इन प्रलेखकों द्वारा दी गई सूचना उन विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है जो उद्यम की वित्तीय स्थिति एवं प्रदर्शन के आकलन, व्यावसायिक क्रियाओं के नियोजन एवं नियंत्रण तथा समय समय पर आवश्यक निर्णय लेने में रुचि रखते हैं। अब है संगठन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन से अभिप्राय किसी व्यावसायिक उद्यम से है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना भी हो सकता है और नहीं भी। अब आप सोच रहे होंगे किसी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं कैसे हो सकता, बहुत से आप ऑर्गेनाइज जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उनका उद्देश्य सोशल वेलफेयर होता है। आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो सोशल वेलफेयर के, स्पेशली इंडिया के अंदर सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो प्रॉफिट के बेसिस पर, प्रॉफिट के पर्पजेस के लिए काम करती हैं, प्रॉफिट पर। उनका उद्देश्य किसी को सोशल, किसी समाज का कल्याण करना नहीं होता, जबकि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका उद्देश्य समाज का कल्याण होता है। भले ही किसी सेवा पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, अगर किसी एक व्यक्ति के लिए कोई सेवा प्रोवाइड की जा रही है उस पर अगर 100 रुपये खर्च आ रहा हो तो हो सकता है कि गवर्नमेंट या तो उससे कोई पैसा ही नहीं ले रही हो या बहुत रीजनेबल प्राइस उससे लिए जा रहे हैं। हो सकता है उस 100 रुपये की सर्विस के बदले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा किसी व्यक्ति से 5 रुपये लिए जा रहा हूँ या 1 रुपया लिया जा रहा हूँ या 10 रुपये लिए जा रहा हूँ, तो इनका उद्देश्य सोशल वेलफेयर होता है। जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी एक व्यक्ति को कोई सर्विस देती है और उस पर 100 रुपये का खर्च आता है तो वो उससे ज़्यादा ही वसूलने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे वो प्रॉफिट पर ही काम करती है। और इसी तरह बहुत से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, जिसे एनजीओ वगैरह कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये भी बहुत से ऐसे होते हैं जो उस पर आपका बिना लाभ पर काम करते हैं, सोशल वेलफेयर पर काम करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में बहुत सी धांधली भी की जाती है। ये इन्हीं के अकाउंट्स को ज़्यादातर चेक करना आपकी जिम्मेदारी भी रहेगी, इन्हीं के ही अकाउंट्स को चेक करना। एंड जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो पेपर में तो ये दिखाते हैं कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है जब बल्कि सोशल वेलफेयर है, ये किसी ना किसी बड़े नेताओं या बहुत ऊंचे ब्यूरोक्रेट्स बैकडोर से जो काम करते हैं अपने एनजीओ के थ्रू, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा
कि वो ऑर्गेनाइजेशन बनाकर या एनजीओ बनाकर अपने जो काला धन है, ब्लैक मनी है, उसको वाइट करने के लिए इन एनजीओ का सहारा लेते हैं और इनको सोशल वेलफेयर की आड़ में अपना सारा पैसा एक ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन्हीं के अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम भी इन अकाउंट्स ऑफिसर का रहता है। अब है सूचना से संबंधित उपयोग, सॉरी ये छूट गया था, हमारे क्रियाओं के आकार एवं व्यवसाय के परिचालन स्तर के आधार पर ये एकल स्वामित्व इकाई, सिंगल ऑनर वाली एंटिटी या साझेदारी फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, सहकारी समिति हो सकती है, कोऑपरेटिव कमेटी हो सकती है, या कंपनी या स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज, नगरपालिका या कोई अन्य संगठन हो सकता है। अब सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेखांकन का संबंध व्यवसाय की वित्तीय सूचना के संप्रेषण से है तथा इसे व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है। अनेक उपयोगकर्ता को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वित्तीय सूचना की आवश्यकता होती है। लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में, अकाउंटिंग एज अ सॉफ्टवेयर ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेखांकन लेन देनों की पहचान से आरंभ होती है तथा वित्तीय विवरणों के निर्माण पर समाप्त होती है। लेखांकन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सूचना उत्पन्न होती है। लेखांकन सूचना को उपयोगी बनाने के लिए निम्न तत्व आवश्यक होते हैं, जिस पहला आर्थिक निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना, वित्तीय विवरणों को सूचना के प्रमुख स्रोत मानकर उन पर निर्भर करने वाले उपयोगकर्ताओं की सेवा करना, संभावित रोकड़ प्रवाह की राशि, समय एवं अनिश्चितता के पूर्व अनुमान लगाने एवं मूल्यांकन के लिए उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना, संसाधनों के प्रभावी उपयोग की सूचना प्रदान कराना। लेखांकन सूचना के विकास में लेखांकन घटनाओं एवं लेन देनों को मापने एवं उनके क्रियान्वयन के लिए उनका अवलोकन, जांच और पहचान करता है एवं उपयोगकर्ताओं के संप्रेषण के लिए लेखांकन सूचना से परिपूर्ण विवरण तैयार करता है। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सूचना निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक, पर्याप्त और विश्वसनीय हो। लेखांकन सूचना की आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं के एक दूसरे से भिन्न दिखने वाली आवश्यकता के कारण लेखांकन विषय में उप विषयों का विकास हुआ है, जैसे वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर है प्रबंधन लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। वित्तीय लेखांकन, अब इनका ओवरव्यू एक हल्का सा देख लेते हैं। ये वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित अभिलेखन एवं वित्तीय विवरणों को बनाने एवं प्रस्तुतिकरण में सहायता करता है, जिससे कि संगठनात्मक सफलता एवं वित्तीय सुदृढ़ता को मापा जा सके। इसका संबंध बीते हुए समय से होता है। प्राथमिक रूप से यह संरक्षणता का कार्य करता है, साथ ही इसकी प्रकृति मौद्रिक है। इसका कार्य सभी हितार्थियों को वित्तीय सूचना प्रदान कराना है। फिर है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन फर्म के द्वारा विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण या प्रदत्त सेवाओं को लागत निर्धारण के व्यय के विश्लेषण एवं मूल्य निर्धारण में सहायता प्रदान करना है। यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसका कार्य जो खर्च होता है उसका एनालिसिस करना और उस कॉस्ट को तय करने के, कॉस्ट को फिक्स करने के लिए करने में सहायता प्रदान कराना है, किसी भी फर्म को सहायता प्रदान कराना है। फिर है प्रबंधन लेखांकन। प्रबंधन लेखांकन संगठन में कार्यरत लोगों को आवश्यक लेखांकन सूचना प्रदान करना है, जिससे कि वो व्यावसायिक कार्यों के संबंध में निर्णय ले सके, योजना बना सके और इसे नियंत्रण कर सके। प्रबंधन लेखांकन के लिए सूचना मुख्यतः वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन से प्राप्त होती है। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से प्रोवाइड की जाती है। जो प्रबंधकों को बजट बनाने, लाभ प्रदत्त का आकलन करने यानी कि बजट बनाने और प्रॉफिट का असेसमेंट करने, मूल्य निर्धारण करने किसी भी वस्तु या अपने कंपनी के उत्पाद का प्राइस फिक्स करने, पूंजीगत व्यय के संबंध में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के संबंध में निर्णय लेने आदि में सहायक होता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो इन सब में सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही प्रबंधन लेखांकन अन्य दूसरी सूचनाएं भी प्रदान करता है जो वित्तीय तथा गैर वित्तीय तथा गुणात्मक प्रकार की हो सकती हैं तथा भविष्य से संबंधित होती हैं। तो मेन इसका क्रक्स ये है कि प्रबंधन लेखांकन भविष्य से संबंधित होता है, क्योंकि ये बजट बनाता है और बजट भविष्य के लिए बनाया जाता है। इसी तरह लाभ का आकलन करता है, प्रॉफिट का असेसमेंट करता है, तो प्रॉफिट का असेसमेंट फ्यूचर के लिए किया जाता है कि कोई उत्पाद हमने अगर किसी इंडस्ट्री ने बनाया है, कंपनी ने तैयार किया है, तो उसको मतलब कितनी कीमत पर उसका पैसा कितना रखा जाए, कॉस्ट उसकी कितनी फिक्स की जाए, जिससे कि एक मिनिमम लमसम राशि प्रॉफिट के रूप में कंपनी को प्राप्त हो सके। तो ये सारा
फ्यूचर के बेसिस पर, एक प्रेडिक्शन के बेसिस पर किया जाता है और यह प्रबंधन लेखांकन का एक उदाहरण है। फिर है लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। लेखांकन सूचना का निर्णय लेने में उपयोगिता के मूल्यांकन के लिए इसमें विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता तथा तुलनात्मकता का गुण होना आवश्यक है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता सूचना पर निर्भर रह सके, यानी कि जो भी यूजर है उसको उस इन्फॉर्मेशन पर वो डिपेंड हो, इसकी विश्वसनीयता, उसकी रिलायबिलिटी किसी भी सूचना की ऐसी होना चाहिए, उस अकाउंटिंग की रिलायबिलिटी इतनी होना चाहिए कि अगर आप उस पर निर्भर हैं तो आपको उसमें किसी तरह का शक ना हो। लेखांकन सूचना की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि जो घटनाएं एवं लेन देन हुए हैं उनके मापन व प्रस्तुतिकरण के बीच किस स्तर का अंतर संबंध है, किस स्तर का इंटरकनेक्टिविटी है या इंटर रिलेशनशिप है। विश्वसनीय सूचना अनावश्यक अशुद्धि, व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए तथा उसे विश्वसनीय रूप से दर्शाना चाहिए जो उससे अपेक्षित है। फिर है प्रासंगिकता, रेलेवेंस। सूचना तभी प्रासंगिक होगी जब वो समय पर उपलब्ध होगी। मान लीजिए कि आपको कोई सूचना आज चाहिए और आपको कोई काम आज की डेट में कंप्लीट कराना है और उसके लिए सूचना आपको आज 12 बजे से पहले चाहिए, तो उस सूचना का क्या फ़ायदा कि जो 12 बजे के बाद आपको प्राप्त हो। तो इसलिए उसकी रेलिवेंसी तभी तक है जब आपको समय से वो सूचना प्राप्त हो जाए। फिर है बोधगम्यता, अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसका तात्पर्य है कि लोग निर्णय लेते हैं, उन्हें लेखांकन सूचना को उसी संदर्भ में समझना चाहिए जिस संदर्भ में उन्हें तैयार किया गया है एवं प्रस्तुत किया गया है। किसी संदेश की वो विशेषताएं जो अच्छे या बुरे संदेश में भेद करती हैं या डिफ्रेंशिएट करती हैं, संदेश की बोधगम्यता का आधार है। तुलनीयता, कंपेरेबिलिटी, यह पर्याप्त नहीं है कि वित्तीय सूचना एक समय विशेष पर विशेष परिस्थितियों में या विशेष रिपोर्ट इकाई के लिए प्रासंगिक एवं विश्वसनीय हो, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि सूचना के उपयोगकर्ता साधारण उद्देश्य के लिए प्रस्तुत व्यवसाय के वित्तीय प्रलेखों में प्रदर्शित विभिन्न आयामों की अन्य व्यवसायिक आयामों से तुलना कर सकें। अब है लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन का मूल उद्देश्य इसके बाह्य एवं आंतरिक उपयोग करने वाले दोनों समूहों को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना है, जो इंटरनल यूजर हैं और एक्सटर्नल यूजर हैं दोनों को एक उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना इस अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। लेकिन ये सारी सूचनाएं जो हैं, जितनी भी जहां सूचना का वर्णन किया जा रहा है वहां सारी सूचना फाइनेंशियल सूचना से रिलेटेड है, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस या इकोनॉमिकल सूचना से रिलेटेड है। आवश्यक सूचना विशेषता बाह्य उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों जैसे लाभ हानि खाता एवं तुलन पत्र के रूप में प्रदान की जाती है। अतः लेखांकन का मूल उद्देश्य निम्नलिखित है, व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब रखना, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसका प्रयोग लेखांकन पुस्तकों में सभी वित्तीय लेन देनों का हिसाब रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त लेखांकित सूचना से तात्पर्य, सूचना से सत्यता की जांच की जा सकती है तथा इसका उपयोग प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है। फिर है लाभ या हानि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य किसी लेखांकन अवधि के दौरान व्यवसाय के लाभ या हानि का निर्धारण है, यानी कि जो अकाउंटिंग का जो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि किसी प्रॉफिट को जब अकाउंट्स ऑफिसर ऑडिट करने जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए होते हैं वो किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि इस किसी संगठन में, जिस संगठन में वो ऑडिट के लिए जा रहे हैं उसको कितना लाभ हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुई है, और अगर लाभ हुआ है तो उसे कितना लाभ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसका टैक्स तय करते हैं। तो इसी तरह अकाउंट्स ऑफिसर का भी यही सेम कार्य रहता है, जिसका निर्धारण व्यवसाय के उस अवधि के आय एवं व्यय के लेखा जोखों की सहायता से लाभ हानि खाता बनाकर सरलता से किया जा सकता है। वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेखांकन का उद्देश्य प्रत्येक लेखांकन अवधि के अंत में परिसंपत्तियों एवं देयताओं, परिसंपत्तियां एसेट्स होते हैं और देयताएं लायबिलिटीज के रूप में वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना है, जो किसी व्यावसायिक संगठन के संसाधनों एवं इनके विरुद्ध दावों का सही लेखा जोखा, एक विवरण जिसे स्थिति विवरण या वस्तु स्थिति विवरण या तुलन पत्र कहते हैं को बनाने में सहायता प्रदान करता है। उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। लेखांकन प्रक्रिया से जनित लेखांकन सूचना को प्रतिवेदन, ग्राफ एवं चार्ट के रूप में उन उपयोगकर्ताओं को संप्रेषित की जाती है जिन्हें विभिन्न निर्णय परिस्थितियों में इनकी आवश्यकता होती है। अब है लेखांकन की भूमिका, रोल ऑफ अकाउंटिंग। यह किसी उद्यम के मापन
वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण के द्वारा उन्हें विश्लेषित एवं वर्णित भी करता है और उन्हें विवरणों एवं प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत करता है। ये विवरण एवं प्रतिवेदन उस संगठन की वित्तीय स्थिति व संचालन परिणामों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे व्यवसाय की भाषा कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशन कहा जाता है। परिणामात्मक वित्तीय सूचना प्रदान कर यह सेवा कार्य भी करता है जो उपयोगकर्ताओं को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करती है। अब लास्ट टॉपिक इसमें हमारा लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इन अकाउंटिंग, जो टर्म्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं अकाउंटिंग में, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं टर्म्स का पूरे अकाउंट्स के सिलेबस के दौरान बार बार ये आपको सुनने के लिए मिलेंगे और पढ़ने में भी आएंगे। एंटिटी, इसमें पहला है हमारा एंटिटी, इकाई। इकाई से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से है जिनका एक निश्चित अस्तित्व है, यानी कि एग्जिस्टेंस है, एक एग्जिस्टेंस है। व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान किए गए व्यावसायिक उद्यम से है, इसे लेखांकन इकाई, अकाउंटिंग एंटिटी भी कहा जाता है, या किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी फर्म को एक एंटिटी कहा जाता है और उसके खाते को एक लेखांकन इकाई, अकाउंटिंग एंटिटी कहा जाता है। फिर है लेन देन, ट्रांजेक्शन, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है, यानी कि कुछ उसकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है, लेन देन कहलाता है। यह माल का क्रय हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, लेनदार को भुगतान हो सकता है, व्यय आदि हो सकता है, यानी कि एक्सपेंडिचर आदि हो सकता है। यह एक नकद सौदा हो सकता है या फिर उधार का सौदा भी हो सकता है, लेकिन इसकी एक वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू होनी चाहिए। फिर है परिसंपत्तियां, एसेट्स, यह किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जा सकता है। परिसंपत्तियों का मूल्य होता है तथा इनका व्यवसाय के परिचालन में उपयोग किया जाता है। अभी परिसंपत्तियों को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है, स्थायी परिसंपत्तियां और चालू परिसंपत्तियां। स्थायी परिसंपत्तियां जो करंट एसेट्स होते हैं, ये वो परिसंपत्तियां हैं जिन्हें लंबी अवधि के लिए रखा जाता है, जैसे भवन, मशीनरी, संयंत्र, जो कोई प्लांट, फर्नीचर आदि, ये जो है जो आपको लॉन्ग टर्म तक आपको पैसा प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपकी इनकम कराते रहेंगे। क्योंकि एक बार मान लीजिए आपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग तैयार की अपनी किसी कंपनी, अपनी कंपनी के लिए, तो वो एक ही बार बनाई जाएगी ना, ऐसा तो नहीं कि आप उसको हर 6 महीने में रिन्यू तोड़ कर दोबारा बनवाएंगे या रिन्यू कराएंगे, उसका रिकंस्ट्रक्शन कराएंगे। तो वो एक लंबे टर्म के लिए, लगभग 30-40-50 साल के लिए एग्जिस्टेंस में रहती है। इसी तरह उसकी जो मशीनरी होगी वो भी कम से कम 5-10 साल तक आपके यूज में रहेगी। इसी तरह जो प्लांट लगाएंगे आप, वो भी इसी तरह 5-10 साल यूज में रहेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में, 1 साल से अधिक अवधि के लिए यूज में रहता है, उसे स्थायी परिसंपत्तियां कहते हैं। इन परिसंपत्तियों को व्यवसाय के साधारण प्रचालन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इनके किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी इंडस्ट्री के ऑपरेशनल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। फिर है चालू परिसंपत्तियां, नॉन करंट एसेट्स, ये वो परिसंपत्तियां हैं जिन्हें अल्प अवधि के लिए रखा जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए रखी जाती हैं, जैसे देनदार, स्टॉक। देनदार कौन होता है? डेब्टर जो होते हैं, जो ऋणी होते हैं, जिन पर ऋण होता है वो, रोकड़ एवं बैंक शेष आदि। फिर है देताएं, लाइबिलिटीज, ये वे देनदारियां या ऋण हैं जिनका भुगतान व्यावसायिक इकाई को भविष्य में किसी समय करना है, यानी कि जो देता है, लाइबिलिटीज हैं। अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज है, मान लीजिए 100 रुपये की, तो इसका मतलब आपको 100 रुपये किसी को बाद में, किसी भविष्य में अदा करने हैं, यानी कि आप मेरे लिए आपकी लाइबिलिटी 100 रुपये है, तो आपको भविष्य में मुझे 100 रुपये अदा करने हैं, इसको इस तरह आप समझ सकते हैं। यह लेनदारों का फर्म की परिसंपत्तियों पर दावे का प्रतिनिधित्व करती है। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी ना कभी उसे धन उधार लेने और उधार पर वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। अब ये देताएं जो हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, इनको दो वर्गों में बांटा गया है, दीर्घकालिक देताएं और अल्पकालिक देताएं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और अल्पकालिक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ये वे देताएं हैं जिनका भुगतान सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के पश्चात किया जाता है, जो 1 साल से अधिक समय के लिए लाइबिलिटीज जिनकी रहती है, जैसे किसी वित्तीय संस्था से दीर्घकालिक ऋण या किसी कंपनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्र या बॉन्ड, जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं वो 1 साल से अधिक अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। अल्पकालिक देताएं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, यह वे देताएं हैं जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर किया जाता है। फिर है पूंजी, कैपिटल, स्वामी द्वारा, जो ऑनर होता है, इंडस्ट्री ऑनर, उसके द्वारा व्यवसाय में उपयोग किया जाने वाला निवेश ही पूंजी कहलाता है। जो वो इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी ऑनर इन्वेस्टमेंट जो करता है, उसी इन्वेस्टमेंट को ही पूंजी कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है।
व्यावसायिक इकाई के लिए इसे स्वामी रोकड़ कैश या परिसंपत्ति एसेट के रूप में लाता है। यानी कि अपने कैश के रूप में लाएगा या फिर अपने एसेट के रूप में उसे लाएगा। फिर है विक्रय सेल्स, ये वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री या उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुल आगम है। यह नकद तथा उधार दोनों प्रकार से हो सकता है। कुल आगम यानी कि कुल रिवेन्यू है, विक्रय सेल्स। आगम रिवेन्यूज, यह वो धनराशि है जो व्यवसाय वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित करता है। इसे विक्रय आमदनी भी कहा जाता है, जैसे कमीशन, ब्याज, लाभांश आदि। आगम को आमदनी या आय भी कहा जाता है। फिर है व्यय एक्सपेंसेस, यह व्यवसाय में आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत है। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट आती है। कोई भी इंडस्ट्री, अगर आप मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री खड़ी करेंगे तो उसको चलाने के लिए एक ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी, जैसे कि कंपनीज के एम्प्लॉयज़ का खर्चा है, उसको मेंटेनेंस का खर्चा है, सैनिटरी का आपका खर्चा है, और भी तमाम बहुत सारे खर्चे, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारी ऑपरेशनल कॉस्ट आती है। इसको अर्जित करने में आने वाली जो लागत होती है उसी को ही एक्सपेंसेस कहा जाता है। साधारणतः व्यय का मापन एवं लेखांकन अवधि के दौरान उपयोग की गई परिसंपत्तियों या उपयोग की गई सेवाओं के रूप में इसे किया जाता है। व्यय की मदों में निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे मूल्यह्रास जो वैल्यू डेप्रिसिएशन होता है, किराया रेंट, मजदूरी वेजेस, वेतन सैलरी या ब्याज आदि। जैसे ब्याज आपका इंटरेस्ट, आपने देखा होगा कि पिछले वाले में भी आगम जो रिवेन्यूज हैं इसमें भी लाभांश दिया गया है, लेकिन इस लाभांश में और उस सॉरी ब्याज इसमें भी दिया गया है और ब्याज इस व्यय में भी दिया गया है। पर जो आगम के अंदर, आगम रिवेन्यू में आपको जो लाभ मिल, जो ब्याज मिलता है, वो ब्याज क्या होता है कि आपने किसी को, मान लीजिए मुझे आपने कोई पैसा लोन पर दिया है, या आपने मान लीजिए अपना ही कोई सेविंग, आपकी इंडस्ट्री है और आपने अपनी सेविंग बैंक में रखी है, तो आपको बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, तो वो ब्याज आपका रिवेन्यू है, वो रिवेन्यू जनरेशन का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो व्यय है, अगर यही आपने पैसा लोन के तौर पर अपने इंडस्ट्री के लिए बैंक से उधार लिया है, तो आपको इसको ब्याज के साथ वापस लौटाना है, तो इसका जो ब्याज होगा, इस लागत व्यय का, एक्सपेंसेस का जो ब्याज होगा, वो आपकी तरह एक तरह से देनदारी है, वो आप पर लायबिलिटी है, वो आपको वापस करना है। तो पूंजी व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यह किसी लाभ, सेवा या संपत्ति को प्राप्त करने पर राशि व्यय करना या देनदारी उत्पन्न करना है। व्यय के उदाहरण है किराए का भुगतान, वेतन, माल का क्रय, मशीन का क्रय आदि। यदि व्यय का लाभ एक्सपेंडिचर, इसमें एक्सपेंडिचर में दोनों इंक्लूड दिए गए हैं, यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है बल्कि एक्सपेंडिचर ही है, ये हम बाद में डिफाइन कर लेंगे, कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यदि व्यय का लाभ एक वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है तो इसे व्यय कहेंगे, एक्सपेंडिचर कहेंगे, इसे आगम व्यय भी कहते हैं, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। दूसरी ओर यदि खर्च का लाभ एक वर्ष से अधिक मिलता है तो इसे संपत्ति माना जाएगा, इसे पूंजीगत व्यय भी कहते हैं, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, यानी कि इसे एसेट माना जाएगा। अगर खर्च जो आपने खर्च किया है किसी मद पर, किसी भी चीज़ पर आपने जो ऑपरेशनल खर्च किया है, अगर उसका लाभ आपको एक वर्ष से अधिक समय तक मिलता रहता है, जैसे कि भवन आपने बनाया है अपनी इंडस्ट्री के निर्माण के में, भवन निर्माण जो कार्य किया गया है, अब उसी के अंदर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसी भवन के अंदर, तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट देता रहेगा, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। इसी तरह मशीनरी, जो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसमें जो मशीनरी यूज़ की जा रही है, वो भी आपको एक साल से अधिक समय तक रिवेन्यू देती रहेगी, लाभ देती रहेगी, तो ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस पर जो आपने खर्च किया था मशीन को नया खरीदते वक्त, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। इसके उदाहरण मशीन, फर्नीचर का क्रय। फिर आगे है लाभ, प्रॉफिट। लाभ एक लेखांकन वर्ष में व्यय पर आमदनी का अधिक है, सरप्लस है, जो आपके खर्च हुए हैं उस खर्च, एक्सपेंडिचर जो हुआ है उस पर जो आमदनी हुई है, जो खर्च करने के बाद, मान लीजिए 100 रुपये खर्च करने के बाद आपको 200 रुपये प्राप्त हुए हैं, जो आमदनी हुई है इसका जो सरप्लस कहलाता है, यानी कि जो 100 रुपये का डिफरेंस है, यही आपका प्रॉफिट है। इसमें स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है। फिर है अभिवृद्धि, गेन, व्यवसाय से प्रासंगिक घटनाओं या लेन देनों से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहते हैं, गेन कहते हैं। इसके उदाहरण है स्थायी संपत्ति का विक्रय, सेल, जो आपकी परमानेंट एसेट है या करंट एसेट है उसका प्रॉपर्टी है उसका सेल, किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि। फिर है हानि, लॉस, किसी अवधि की संबंधित आगम से व्यय आधिक्य को हानि कहते हैं। इससे स्वामी की पूंजी घटती है, यह मुद्रा या मुद्रा सम्मूल्य लागत पर व्यय में हुई हानि की पुनः वसूली ना होने की ओर संकेत करती है।
इसमें स्थायी परिसंपत्ति के विक्रय पर होने वाली हानि भी सम्मिलित है। यानी कि किसी, अगर आपको किसी इंडस्ट्री के जो ऑपरेशनल, आपकी इंडस्ट्री की ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसका जो व्यय आ रहा है, आपको एक्सपेंडिचर जो आ रहा है, और उससे उस मान लीजिए उस पर 100 रुपये का एक्सपेंडिचर आ रहा है, और उस 100 रुपये से आपको 90 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब 10 रुपये का डिफरेंस है, 10 रुपये कम हो प्राप्त हो रहे हैं जो आपका एक्सपेंडिचर है, तो ये आपको 10 रुपये का लॉस शो करेगा। फिर है बट्टा डिस्काउंट। बट्टा विक्रय की गई वस्तु के मूल्य से कटौती को कहते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट को कहते हैं। अब ये डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट दो फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। एक है वस्तुओं के विक्रय पर, वस्तुओं के सेल पर सूची मूल्य पर प्रतिशत कटौती, यानी कि जो लिस्ट मूल्य है, जो आप एमआरपी होती है उस पर कटौती जो दी जाती है, उसे उस ऐसी छूट को व्यापारिक बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ये साधारणता विनिर्माताओं द्वारा, जो मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर द्वारा या तो होलसेलर व्यापारी को दिया जाता है, या फिर थोक व्यापारी को दिया जाता है, या फिर थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर विक्रेताओं को दिया जाता है, रिटेल शॉप वाले को दिया जाता है। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री से कोई एक ब्रश, टूथब्रश बनकर निकला, और टूथब्रश बनने के बाद ये इंडस्ट्री से होलसेलर के पास आया, तो इंडस्ट्री इसको कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी, जो एमआरपी पर होगा, एमआरपी पर कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी इस होलसेलर। अब ये होलसेलर से एक रिटेल शॉप वाला, रिटेलर जो गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं, वो दुकान वाला इससे इस टूथब्रश को परचेस करेगा, तो इस अब भी एमआरपी तो वही है, लेकिन एमआरपी पर फिर इसको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन इसमें ये अपना प्रॉफिट हटाकर जोड़कर उसमें इसको फिर भी, मान लीजिए इस टूथब्रश पर 10 रुपये एमआरपी थी, हो सकता है इस इंडस्ट्री, इस मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को इसे 5 रुपये में प्रोवाइड किया हो, अब इसने इसमें, लेकिन एमआरपी तो उस पर वही लिखी हुई थी 10 रुपये। अब ये होलसेलर रिटेलर को 7 रुपये में मान लीजिए प्रोवाइड कर देता है, यानी कि अपना 2 रुपये प्रॉफिट लेकर इसको 7 रुपये में प्रोवाइड कर देता है। अब ये रिटेलर इसको एमआरपी पर ही बेच देगा, या एमआरपी से कुछ कम में भी बेच, बहुत से रिटेलर बेच देते हैं, तो तीनों को प्रॉफिट हो जाता है। ये पहली प्रकार की छूट होती है, इसे व्यापारिक बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब वस्तुओं के उधार विक्रय पर देनदार यदि भुगतान तिथि या उससे पहले देय राशि का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें देय राशि पर छूट भी दी जा सकती है। यह कटौती देय राशि पर भुगतान कटौती के समय दी जाती है, इसलिए इसे नकद कटौती कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। नकद कटौती एक प्रोत्साहन है जो देनदारों को तुरंत भुगतान के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें बहुत से ऐसा होता है कि जो अगर इंडस्ट्री होलसेलर को प्रोवाइड कर रही है कोई ब्रश जिसे दे रही है, और उस पर 10 रुपये एमआरपी है, लेकिन ये होलसेलर ये कहता है कि मैं आपको अभी पेमेंट नहीं कर सकता, तो एक तरह से उस पर उधार हुआ, ये 10 रुपये इसने ऐसी उधार पर ये ब्रश ले लिया। अब जब उधार पर ले लिया, वैसे तो इसको 5 रुपये में ये इंडस्ट्री इसको प्रोवाइड करती, लेकिन अब ये इस पर कुछ ब्याज जोड़कर इसको मान लीजिए 6 रुपये में प्रोवाइड करेगी, और इसने एक समय दे दिया कि आपको 6 महीने में ये पैसा देना है, 6 महीने में ये 6 रुपये आपको देने हैं। लेकिन अगर आप समय से पहले दे देते हैं, मान लीजिए आप 3 ही महीने में दे देते हैं, तो हम आपको 50 पैसे का इसमें डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो हम जब ये मान लीजिए 6 महीने से पहले, 2 महीने, 4 महीने या 5 महीने, कभी भी अगर ये इसको पैसा रिटर्न कर देता है, उधार का पैसा जो 5 रुपये का इसने ब्रश उधार लिया है, इसको रिटर्न कर देता है, तो हो सकता है ये 6 रुपये ना लेकर इसको कैश डिस्काउंट दे, और ये ब्रश के सिर्फ 5.5 रुपये ही, 5 रुपये 50 पैसे ही इस इंडस्ट्री इससे होलसेलर से वसूले। नकद कटौती एक प्रोत्साहन है, तो ताकि वो समय से पहले होलसेलर इसका भुगतान कर दे। प्रमाणक वाउचर किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को ही प्रमाणक कहते हैं। कोई वाउचर, जैसे कि आपको बहुत से देखा होगा, आपने ई कॉमर्स साइट पर आपको वाउचर प्रोवाइड किए जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो वाउचर एक तरह सा प्रमाण होता है, सर्टिफिकेट होता है कि आपने इतनी रकम अदा कर दी है, आप या आपकी तरफ से कोई दूसरा अदा कर रहा है, वो एक तरह से गारंटियर होता है, प्रमाणक होता है। माल गुड्स वो उत्पाद जिनसे व्यापारी कारोबार करता है माल कहलाता है, अर्थात जिनका वो क्रय विक्रय या उत्पादन एवं विक्रय कर रहा है, माल तो वो माल होता है। मान लीजिए कोई आप एक शॉपकीपर हैं, और आपके पास कोई मशीनरी है, आप कोई मशीनरी बेचते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं गुड्स और एसेट में, यहाँ बहुत माइनोरिट सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत से इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, गुड्स और एसेट्स। मान लीजिए दो लोग हैं, एक मैं हूं और एक आप हैं, ये आप हैं एक, मैं हूं ए और आप हैं बी। मैं एक शॉपकीपर हूं और मेरे पास कोई प्लांट मशीनरी है, जो मान लीजिए ब्रश का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि जो एक टूथब्रश बनाती है, लेकिन मैं एक शॉपकीपर हूं, मेरे पास इस तरह की 50 मशीनें रखी हुई हैं, 50 मशीनें इस तरह की रखी हुई हैं,
आप एक इंडस्ट्री होल्डर हैं, आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं जहां पर जिस मशीन की मदद से आप ब्रश बनाएंगे, ये ब्रश मेरे यहाँ बनता नहीं है लेकिन मेरे पास इसकी मशीन है, मैं सिर्फ मशीन ही बेचता हूँ। आपने वो मशीन खरीदी, मुझसे वो मशीन खरीदी, तो ये जो मशीन मेरे पास थी, ये जो प्लांट मेरे पास था, ये मेरे पास माल हुआ, ये गुड्स हुआ, क्योंकि मैं आपको बेच रहा हूँ। और हो सकता है कि मेरी ये जिस दिन मैंने खरीदी हो वो 2 या 4 दिन में या 5 दिन में वो बिक जाए, लेकिन अब आप इस मशीन को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने वाले हैं और आप इससे प्रॉफिट आने वाले 2-4 साल तक लेते रहेंगे, तो ये आपका एसेट है, ये यही मशीन आपका एसेट बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो प्लांट मैं बेच रहा हूँ वो मेरे लिए गुड्स है, सामान है, उससे मैं सेल परचेज कर रहा हूँ, लेकिन वही मशीन जब आप 1, 2, 3 साल तक यूज़ करते रहेंगे और उससे प्रॉफिट गेन करते रहेंगे, तो वही मशीन आपके लिए एसेट्स है। फिर है क्रय परचेजेस। क्रय एक व्यवसाय द्वारा नकद या उधार प्राप्त वस्तुओं का कुल मूल्य है जिन्हें विक्रय करने के लिए प्राप्त किया जाता है, जिन्हें बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है। एक व्यापारिक इकाई को माल को उसी रूप में या विनिर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद विक्रय के लिए भेजा जाता है। फिर है आहरण ड्रॉइंग्स। व्यवसाय में स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई नकद धनराशि या वस्तुएं आहरण हैं, ड्रॉइंग्स हैं, ड्रॉइंग राइट्स जो होते हैं, जैसे कि आपने आईएमएफ के बारे में सुना होगा, वहां पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स दिए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज को, तो यही वही वाला ड्राइंग्स है आहरण, कि आप किसी ऑनर की कितनी कैपेबिलिटी है धनराशि निकालने की अपनी ही कंपनी से। आहरण स्वामी के विनियोग को घटाता है, डिस इन्वेस्टमेंट को घटाता है, जितना ही ज्यादा वो अपनी कंपनी से पैसा को आहरण ड्रॉ करेगा यानी कि पैसा निकालेगा, उतनी ही उसकी विनियोग की जो क्षमता है, डिस इन्वेस्टमेंट की जो क्षमता है वो घट जाएगी। फिर है स्टॉक। स्टॉक यानी कि भंडारण। किसी भी व्यवसाय में जो वस्तुएं अतिरिक्त पुर्जे व अन्य मदें हाथों में होती हैं उनका मापन स्टॉक कहलाता है। स्टॉक को हिंदी में हस्त से रहतिया, या वैसे तो सही जो फॉर्म है उसे भंडारण ही कहते हैं, तो भंडारण आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, भंडारण कहलाता है। एक व्यवसायी एक व्यापारिक इकाई में स्टॉक से अभिप्राय उस माल से, अब हम वैसे तो नॉर्मली ये समझते हैं कि अगर कोई होलसेलर है उसके पास जो माल रखा हुआ है, मान लीजिए कोई प्लास्टिक का होलसेलर है जो प्लास्टिक की वस्तुओं का सेल करता है, वस्तुएं बेचता है, तो उसके पास जितना भी माल है वो स्टॉक है, नहीं ऐसा नहीं है। अकाउंट्स की भाषा में इकाई एक व्यापारिक इकाई में स्टॉक से अभिप्राय उस माल से है जो लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिना बिका रह गया है, यानी कि मान लीजिए वो अपनी एक वो होलसेलर अपनी दुकान का ऑडिट कराता है, उसका कोई ऑडिट करता है, तो एक अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक, जो 31 मार्च वाला दिन है उस दिन उसका जो माल शेष रह गया है, मान लीजिए 100 यूनिट उसका माल शेष रह गया है, बिकने से रह गया है, तो यही इसका स्टॉक है, ना कि वो जो उसने पहले इस अवधि के दौरान खरीदा है, जो बचा है वो स्टॉक है, तो इसे अंतिम स्टॉक या अंतिम स्कंद भी कहते हैं। देनदार डेप्टर्स। देनदार प्राप्य खाते व वे व्यक्तियां या इकाइयां हैं जिनसे व्यावसायिक संस्था को उससे वस्तुएं या सेवाएं उधार प्राप्त करने के बदले कुछ धनराशि लेनी है। इन व्यक्तियों या इकाइयों द्वारा कुल प्राप्त राशि को अंतिम दिन तुलन पत्र में विविध देनदारों के रूप में परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। देनदार कौन होते हैं? डेप्टर्स। डेप्टर्स यानी कि जो किसी तरह का किसी पर इन पर ये किसी के ऋणी होते हैं, इनको किसी का पैसा लौटाना होता है, जो उधार लेते हैं वो डेप्टर्स होते हैं, सीधी फॉर्म में आप ये समझ सकते हैं, जो उधार लेते हैं वो डेप्टर होते हैं, और जो उधार देते हैं, जो ऋण प्रोवाइड करते हैं, वो लेनदार होते हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि क्रेडिट किया है उन्होंने, उन्होंने किसी को पैसा क्रेडिट किया है। लेनदार वे व्यक्ति या इकाइयां होते हैं जिनका किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा उनसे उधार वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करने के बदले भुगतान करना है। इन व्यक्तियों या इकाइयों को देय कुल धनराशि को अंतिम दिन स्थिति विवरण में विविध लेनदारों के रूप में देयता पक्ष में दर्शाया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।